ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। ओके तो बच्चों, जैसे कि लास्ट क्लास मैंने बताया था आपको कि टुडे विल बी रिवीजन क्लास, और इसके बाद मैं आप लोगों को टेस्ट लेने वाला हूँ, यानी आप लोगों का टेस्ट लेने वाला हूँ मैं। हो सकता है वो रिटन भी हो सकता है, वो ओरल भी हो सकता है, और बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड करके मैं आप लोगों को क्विज भी कंपटीशन करवा सकता हूँ। यस सर। स्पेशली क्विज में क्या होगा मैं बता देता हूँ, इंस्ट्रक्शन में दे देता हूँ सारे बच्चे मोबाइल फेंक देंगे, समझा ना? मैं मोबाइल फेंक दूंगा उठा के। क्लास में बैठे हो तो मोबाइल की क्या जरूरत है, बताओ? क्लास में तो म्यूट करके आना चाहिए ना। म्यूट पहले कर दो तो हैं कैसे हो जाएगा बाद में। ठीक है, चलिए। तो बेसिकली मैं ऑनलाइन बच्चे को वन बाय वन पूछता हूँ, ऑफलाइन तो मेरे सामने बैठे हैं। आशुतोष कुमार, सारे बच्चे कैमरा ऑन करेंगे। सारे बच्चे कैमरा ऑन करेंगे, कैमरा ऑफ होगा मैं रिमूव कर दूंगा। एक मिनट का टाइम है, जहां भी हो अपने सही जगह पे चले जाओ और कैमरा ऑन कर दो। वेरी गुड राजू, वेरी गुड विवेक, आदित्य। चलिए आदित्य भी अपना टाइम लिया एक मिनट, लेकिन ओके। विवेक राज, अनुराधा एंड आशुतोष। मयंक कुमार, टाइमली ज्वाइन होता है बच्चा और कैमरा ऑन करके ज्वाइन होता है, इसके लिए अप्रिशिएट करते हैं इसको। तो मयंक से स्टार्ट करते हैं आज। मयंक बताओ, कौन कौन सा टॉपिक पढ़े हो आप? सर लास्ट क्लास में, अभी तक बोलिए, अभी तक तो मैं आपको क्लास का हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़े थे लोग, फिर जनरेशन, ठीक है, जनरेशन, फिर कंप्यूटर, किस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़े थे लोग, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, फिर हम लोग कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, क्या क्या अंडर कंपोनेंट होते हैं वो पढ़े थे लोग, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। वेरी गुड। अब प्रिंटर में हम लोग, ठीक है, वेरी गुड। तो अब नेक्स्ट बच्चे को मैं पूछता हूँ, सेतु आप बताइए, आप भी रेगुलर रहते हो। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़े, फिर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फर्स्ट में हम लोग को वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड आईसी, फोर्थ में सॉफ्टवेयर और फिफ्थ में एआई, उसके अलावा उसका आईपीएम, ये सब जो आता है एग्जांपल। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कंप्यूटर का ये स्ट्रक्चर, जैसे कंप्यूटर के बारे में क्या, किस मॉडल क्या है उसका, बेस मॉडल, वॉन न्यूमन्स मॉडल जो सबसे पहले थे वो। उसके बाद हम लोग कभी पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, फिर टाइप्स ऑफ डिवाइसेस में हम लोग का माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, अभी प्रिंट आउटपुट में प्रिंटर चल रहा है, प्रिंटर में इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, वेरी गुड। लास्ट नेक्स्ट बच्चे बताएंगे, हु इज नेक्स्ट? हु इज नेक्स्ट? और कोई नेक्स्ट नहीं है? राजू, राजू कुमार, आप पिछले क्लास में भी ऐसे ही किया था आपने, मुझे जहां तक याद है।
Yes or no? Anuradha, आप क्लास में है या नहीं है ये बताइए पहले. क्लास में नहीं है, चलिए वेरी गुड. विवेक राज, सो बेसिकली तीन बच्चे हैं क्लास में. स्टार्टिंग से तुम बताओ, बंद करो कॉपी को, तुम करो जाओ उधर से. सेकंड 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 एक क्वेश्चन करो इससे. हाँ, मेनफ्रेम कंप्यूटर का यूज पूछ रहा है आपसे. क्या क्या होता है मेनफ्रेम कंप्यूटर एक तरह से? पहले तो आप लोग सब बंद कीजिए अभी, जरूरत नहीं. क्वेश्चन था, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से क्वेश्चन किया है कि मेनफ्रेम का यूज क्या है ना. यदि ऑनलाइन बच्चे को पता है किसी को, वो भी आंसर कर सकते हैं. जो जानते हैं वो हैंडल्स करेंगे. ठीक है सर, रिपीट कीजिएगा कौन सा क्वेश्चन है. मेनफ्रेम कंप्यूटर का यूज क्या है? आदित्य, यस सर, व्हाट इज द यूज ऑफ मेनफ्रेम कंप्यूटर? सर ये बहुत सारा डाटा को एक ही समय पे बहुत स्पीड के साथ सर ये प्रोसेस कर सकता है, और ये कंपनी में यूज होता है सर इसका. पर इसका सर, पर इसका जो यूआई होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है, यूजर फ्रेंडली नहीं होता है. एक के नहीं बोल रहे हो? नो सर. वेरी गुड वेरी गुड. पहले आंसर बताओ, पहला क्वेश्चन. और कोई आंसर कर सकता है इधर से मेनफ्रेम का? आप म्यूट कर लीजिए. और कोई आंसर कर सकता है क्या? हाँ, तुम खड़े हो जाओ पहले. जहाँ पे एक सिस्टम को और कुछ बड़ी गुड. ठीक है, आपको ऐसे मिल गया. बैठ गए आप सब, बैठ गए. हाँ, तुम पूछो क्वेश्चन. आप भी बैठ गए. इनपुट नहीं, इनपुट तो प्रोसेस हो गया, तुमको सब काम करता है. गलत है, सीक्वेंस गलत है. इनपुट के बाद सीधा आउटपुट कैसे हो जाए? स्टोरेज. बैठ जाइए आप दोनों, बैठ जाइए. हाँ, तो खाना गया तो नहीं आई होगी आज. चलिए पूछो एक क्वेश्चन. किसे पूछना है? चलो, परेशान लग रहा है, तू करे होगा. स्टैंड अप. हाँ, क्वेश्चन करो एक. व्हाट इज एनालॉग कंप्यूटर? नहीं जानते हो आप, बताइए. एक मिनट, आप में से कोई बता सकते हो इस ग्रुप से कोई? नहीं, इधर का क्वेश्चन का इधर ही जवाब देगा. ठीक है, ये एनालॉग कंप्यूटर नहीं होगा तब इधर आएंगे आप बताओ क्या. हाँ, कुछ और बताइए इसके बारे में. और कोई जहाँ पे? हाँ, मतलब सिंपल सी बात कह सकते हो, जैसे वेदर फोरकास्टिंग कह सकते हो, सारी चीजें सही है. और कुछ एक्स्ट्रा कोई ऐड करना चाहता है इसमें? एग्जांपल इज कंप्यूटर.
हाँ बताइए और कोई सर, साउंड बॉक्स के साथ सर और कोई जिसपे इफेक्ट पड़ता है वो यूजेस नहीं करता उसको, जिसपे इफेक्ट जो इफेक्टेड होता है फिजिकल फेनोमेना, जैसे वेदर फॉरकास्टिंग है तो कुछ चेंजेस होंगे आपको, है ना, जैसे रेडियो पे आप लोग सुना होगा ना, रेडियो पे सुनते हो कभी कभी मौसम खराब हुआ तो उसे गड़गड़ करने लगता है, देखे हो कभी? तो ये फिजिकल फेनोमेना हुआ ना, ऐसे इफेक्ट्स पे पड़ते हैं, लेकिन वो किस पे काम करता है, वो एनालॉग सिग्नल पे काम करता है, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो जब किसी ने क्या बताया था, क्या था कुछ ओपी है आपके पास, निकालिए देखिए पढ़िए उसको। मैं चेक करूंगा, चलो एक एक करके आ जाओ कॉपी चेक करवाने के लिए। मॉनिटर कौन है? मॉनिटर भेजिए तुम लोगों के पास क्या मॉनिटर को आप लोगों ने बनाया? सेतु आपने बनाया कॉपी नोटबुक? सर बनाया कभी। चलिए ठीक है बच्चों, तो बेसिकली जो है डिवीजन में यही है, आप लोगों को जितने टॉपिक्स मैंने पढ़ाए मैं एक बार नाम बता देता हूँ, आप लोग बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, एक डेमो मैंने बताया किस तरह से आपका होगा, यदि मैं क्विज करवाऊंगा तो इसी तरह से करवाऊंगा, दो ग्रुप में बांटूंगा, ठीक है ना, और यदि एक बच्चे ने सारे सारे बच्चे के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, टाइप क्वेश्चन, वो डिसाइड करेंगे किससे पूछना है, या फिर एक ग्रुप के बच्चे इधर से जो है ना पूछेंगे, उस ग्रुप से पूछेंगे, उस ग्रुप का कोई भी आंसर जो हाथ उठाएगा वही आंसर देगा, और डायरेक्टली उसने सही आंसर दे दिया, सुनो यदि उस बच्चे ने डायरेक्टली आंसर दे दिया सही फर्स्ट, जैसे मान लो तुमने क्वेश्चन पूछा और कोई बोला कि मैं बताऊंगा, ग्रुप से डिसाइड कर लेगा आपस में, ठीक, अब जिसने हाथ उठाया कि मैं बताऊंगा, जो उस ग्रुप से खड़ा होगा यदि उसने सही आंसर दिया तो 6 नंबर 6 मार्क्स नहीं 6 मार्क्स होगा, मेरी जगह 6 मार्क्स होगा, डायरेक्ट आंसर होगा, पॉइंट बताते क्या सर, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान सुनो, ठीक है, जब कोई डायरेक्ट आंसर होगा सही तो 6 मार्क्स, यदि उसने जवाब नहीं दिया, उसी ग्रुप के दूसरे मेंबर ने जवाब दिया, 3 चांसेस मिलेंगे उसके, है ना, तो यदि पहले ने जवाब नहीं दिया और सेकंड देगा तो 4 नंबर, ठीक है, और यदि उसने जवाब नहीं दिया तो उस ग्रुप का कोई तीसरा पर्सन जवाब देगा तो 2 नंबर, ठीक है ना, डायरेक्ट हिट में 6 नंबर, सेकंड हिट में, लेकिन यदि फर्स्ट ने गलत आंसर दे दिया तो सेकंड को चांस नहीं मिलेगा, वो नेगेटिव में जाएगा, दैट विल बी 4 मार्क्स, -4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आ गया रूल्स? सैटरडे को होगा, तो जो जो आप सेंड करेंगे ना, जब भी कभी आएंगे लाइन में खड़े करके पिटाई किया जाएगा, ठीक है, तो बेसिकली समझ में आ गया, जिस तरह से इस क्वेश्चन के इस ग्रुप से उसको मैंने बताया वैसे ही सेम उस ग्रुप से भी इसमें, अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, तो नेगेटिव कितना होगा, यदि पहले ने आंसर हाथ खाया उसने गलत आंसर दे दिया तो -4 तो होगा ही होगा, फिर दूसरा पहले ने कुछ आंसर ही नहीं दिया बट सेकंड ने गलत आंसर दिया तो -2 होगा, ठीक है, और थर्ड एक काम कर ऐसे करते हैं, जो पहला यदि गलत आंसर दे रहा तो -2 होना चाहिए, सेकेंड देगा तो -4 होना चाहिए, ठीक है, और थर्ड देगा तो -6 होना चाहिए,
ठीक है, क्लियर है बच्चों? कोई नहीं दे पाया सही, तब जो क्वेश्चन पूछा वही आंसर देगा, और उसने भी दिया तो उसका उसका सीधा माइनस 12 होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना, जान के जो है लोग आंसर ही ना दे, चलो मेरा तो जाएगा ही उसका भी जाएगा, इसलिए ये रूल नहीं है। लेकिन हाँ, रूल्स नहीं होंगे, लेकिन लेकिन यदि किसी ने जवाब नहीं दिया और फिर उसी बच्चे ने जवाब जिसने पूछा उसने जवाब दिया उसका, उसको उसका बोनस मार्क मिलेगा, दैट इज +4। क्लियर है, समझ में आ गया रूल्स? ऑनलाइन स्टूडेंट्स मैं रैंडम चूज कर वो ग्रुप मैं सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, वो सिलेक्ट मैं करने वाला हूँ किसको किस ग्रुप में रखना है, कोई दिक्कत? ओके बच्चों, तो मैं और जो जो टॉपिक मैंने बताया उसको मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते होंगे कि सर मैंने क्लास नहीं किया है, किया है क्या, उनको आइडिया लग जाए कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है, ठीक है? यस प्लीज, प्रोजेक्टर ऑन इसलिए नहीं, इस पे काम नहीं करता है, तो बेसिकली मैं ओरल बताऊंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिकली आपको सब मैं सारा टॉपिक मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी, बस मैं नाम बोलूंगा। इससे पहला मैंने बताया था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, याद है आप सबको? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बताया था, जिसमें सबसे पहले अबेकस बताया था। अब देखो क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे इससे, इससे क्वेश्चंस कैसे क्या क्या बन सकते हैं, जैसे इसका फुल फॉर्म हो गया, फुल फॉर्म हो गया, ईयर हो गया, इन्वेंट किसने किया, ये तीन क्वेश्चन इस तरह के बनेंगे। और यही तीन क्वेश्चन इसी तरह के आप एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, किस ईयर में इवोल्यूशन हुआ, किसने किया और इसका फुल फॉर्म क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे आप, क्लियर है? चलिए, तो बेसिकली जो मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में अबेकस मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं बता देता हूँ क्या क्या मैं पढ़ाया है, ठीक है? चलिए, बेसिकली हिस्ट्री समझ में आ गया, हिस्ट्री क्या होता है, इसमें मैंने बताया भी था आपको। उसके बाद नेपियर बॉन्स बताया था, उसमें भी ईयर, यस और नो, पास्कलाइन बताया था मैंने, लेबनिस व्हील बताया था, जैकवार्ड बताया था, डिफरेंस एनालिटिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस में आपको ये इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो ईयर पूछता है, दूसरा किसने किया था, क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट है बच्चों, सेंसस मशीन, है ना, सेंसस मतलब जनसंख्या के लिए हम लोग काउंट करने के यूज करते हैं, बिल्कुल फर्स्ट टाइम वही यूज हुआ था। तो नेक्स्ट बच्चों, उसके बाद मार्कन बताया था, और फिर मैंने एब्रिविएशन भी सबका बताया था, शॉर्ट में भी बताया था, याद है, विजिबल है सबको? यस सर। चलिए, तो बेसिकली ये सारा मैंने आपको हिस्ट्री बताया था, शॉर्ट में आप ऐसे भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत? ईयर किस कंट्री ने किया था, यदि किसी ने उसका नाम भी दिया हुआ है जहां पे, वो भी याद रखिएगा। अब ऐसा ना हो कि नाम अवेलेबल नहीं, वो नाम पूछोगे किसने किसने किया था, ऐसा नहीं करना, वैसे पे माइनस 12 मार्क्स होंगे जो पूछे होंगे। जनरेशंस मैंने बता दिया आपको, क्या मैंने बोला, कुछ काम क्वेश्चन पूछोगे जो क्वेश्चन के लिए नहीं होना चाहिए, तो उसमें माइनस 12 पूछने वाले पे जाए, बेसिकली फोकस करना जितना मैंने बताया उसी पे फोकस करना, मैं आपसे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चाहता हूँ, जितना मैं चाहता हूँ उसी पे करो, ठीक है? अभी फर्स्ट टेस्ट है तो विद इन दिस बॉक्स, बॉक्स से बाहर नहीं जाना, ठीक है? जनरेशन मैंने बताया था, जनरेशन में क्लासिफिकेशन भी मैंने किए थे शायद, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, उसके कुछ एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं, जैसे कोई पूछेगा आपसे कि फर्स्ट जनरेशन कब से कब स्टार्ट हुआ, कोई दिक्कत? क्या चलो मैंने पढ़ाया,
ठीक है, दिमाग मत लगाना यहाँ पे आपको। नहीं नहीं, जो फिलहाल तो अभी ये जो मैंने बताया उसी को लेके चलूंगा, ठीक है। देखो आपने पढ़ा होगा 95 से, 94 से, 92 से, बहुत सारे, मतलब जैसे 1942 से पढ़ा होगा, 1944 से पढ़ा होगा, 1946 से पढ़ा होगा। मैंने 1940 बताया था आपको, बेसिकली ये समझ में आ गया होगा। अच्छा विवेक राज, विवेक मेरी आवाज आ रही है आपको? विवेक हाँ, तो उसके कुछ एग्जांपल्स याद है, जैसे मैंने आपको एक और असाइनमेंट दिया था, याद है फुल फॉर्म्स, इनिएक, इडवेक है ना, यूनिवेक, फुल फॉर्म, आईबीएम, ऑलरेडी आपके पास प्रेजेंट होगा ही। चलिए ये सब क्वेश्चंस बन सकते हैं। एडवांटेज, यस प्लीज। एग्जांपल्स सबके याद करना तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। क्या एग्जांपल याद करना? जनरेशंस के एग्जांपल्स याद करना। तो करना पड़ेगा आपसे क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतना जल्दी नहीं होता है, इतने से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब बेसिकली आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये आपका काम, बिल्कुल याद रखना, कोई एक्सक्यूज नहीं इसमें, दिस स्टेप कुछ भी नहीं, ठीक है। एक्सक्यूज का बहुत सारा तरीका हो सकता है, एक्सक्यूज पे बहुत सारा, एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज रिकर्सिव चलता है, वो नहीं करना है, इसलिए सिंपल है, आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। सेकेंड जनरेशन मैंने बताया था कब से कब तक होता है, क्या उसके एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे कॉमन भी मिल जाएंगे आपको, बस नाम है, मॉडल नंबर चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो एडवांटेज क्या है, इसमें क्या यूज होते थे, क्या यूज नहीं होते थे, ये हो गया आपका, ठीक है। अब जैसे पूछेगा आपसे कि अच्छा फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन में क्या अंतर है, क्यों सेकेंड जनरेशन आया, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो आप बताओ, तो उस केस में क्या बताओ, इतने सारे डिसएडवांटेज है किसके, फर्स्ट वाले के, वो सेकेंड के लिए, सेकेंड के लिए हो जाएगा, मतलब सेकेंड के लिए, मतलब सेकेंड इसलिए आया जो उसको कम करने के लिए, यही चीजें होती, इस तरह क्वेश्चंस होंगे आपके। थर्ड जनरेशन क्या है, एग्जांपल्स, डिसएडवांटेज, एडवांटेज, है ना। फोर्थ जनरेशन, या आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर ओवर सेकेंड जनरेशन, ऐसा भी क्वेश्चन, ठीक है। अब फोर्थ जनरेशन भी आएगा आपका, उस पर भी एडवांटेज मैंने बताया था, कुछ एग्जांपल्स बताए थे आपको। फिफ्थ जनरेशन हो गए, मैंने बहुत सारे बताए थे आपको, उसके अलावा मैंने शॉर्ट में भी बताया था आपको, चार्ट दिया था, याद है, शॉर्ट में याद रखने के लिए, इसमें क्या यूज करते हैं, कौन कौन से उसके एग्जाम्पल्स हैं, तो वो भी, चीटिंग नहीं करना है आप लोगों को। उसके बाद मैंने बताया था आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, याद है बच्चों? यस सर। इसमें मैंने एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, एनालॉग को फर्दर डिवाइड करते हैं हम लोग, सॉरी एनालॉग को नहीं, डिजिटल को फर्दर हम लोग सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और बताया था हमने, सारे डिजिटल कंप्यूटर्स कहलाते हैं। उसके अलावा मैंने बताया था क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, एक होता है जनरल पर्पस और एक क्या होता है स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस मतलब क्या होगा, दैट इज यूज्ड जनरली, मतलब कोई भी यूज कर सकता है, दैट इज जनरल पर्पस। सो वी आर यूजिंग जनरल पर्पस कंप्यूटर, बट व्हेन यू हैव टू यूज दैट कंप्यूटर इन मेडिकल लाइन और इन वेंटिलेशन सिस्टम, इन सम काइंड ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ सिस्टम, देन दैट इज स्पेशल पर्पस। क्लियर है बच्चों? सो व्हेन वी आर गोइंग टू यूज द कंप्यूटर व्हिच इज आल्सो अवेलेबल फॉर ऑल द पर्संस इन द वर्ल्ड, दैट इज जनरल पर्पस। सबके लिए तो जनरल हो गया, जनरल स्टोरेज को बोलते हो, जनरल बॉगी बोलते हो, बट व्हेन यू विल यूज द कंप्यूटर फॉर स्पेसिफिक पर्पस, सपोज यू आर गोइंग टू यूज इन द मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, एज अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, यू आर गोइंग टू यूज फॉर एनी अदर पर्पस, so in that case that will be called as special purpose computer. Clear hai? So analog aapko maine bataya bhi tha, analog kya hota hai, so analog signal pe so continuous signal bolte hain, usme kya kya hote hain, wo kis us pe kya kya effect padta hai, form of that uses continuous physical phenomena such as electrical, mechanical or hydraulic, abhi kuch is pe weather forecasting add kar diya, इसका उस पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। यानी ऐसे कंप्यूटर जिसमें कि मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हाइड्रोलिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, है ना, और किस पे काम करता है, वो एनालॉग सिग्नल पे काम करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं,
ठीक है बच्चों। अब इसके अलावा मैंने आपको बताया था, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताए थे इसके, डिजिटल कंप्यूटर भी बताया मैंने आपको क्या होता है, ये 0-1 पे काम करता है, 0 मतलब ऑन, 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन, बताया आपको ये डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, 0-1 के फॉर्म में होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं, ये सारा मैंने आपको बताया। इसके एडवांटेज कंपोनेंट्स बताए थे आपको, याद है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, यस सर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, दिस कंप्यूटर्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर, दोनों के फीचर्स होते हैं। इट इन दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर द डिजिटल सेगमेंट्स परफॉर्म प्रोसेस कंट्रोल बाय द कन्वर्जन ऑफ एनालॉग सिग्नल, यहाँ पे एनालॉग को हम लोग कन्वर्ट किस पे करते हैं, डिजिटल में, तब ये इस पे काम करता है। ए हाइब्रिड कंप्यूटर सिस्टम सेटअप ऑफर्स अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में इसको यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में इसको यूज करते हैं, जहाँ पे हमें दोनों फीचर्स चाहिए, जहाँ पे एनालॉग भी कंपोनेंट्स हमारे पास है, डिजिटल भी चाहिए, तो वहां पर उसको यूज करते हैं। क्लियर है, कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बता दिया आपको, टाइप ऑन द बेसिस ऑफ साइज मैंने बताया, याद होगा, मिनी मैक्रो ये सारा, ठीक है। मैक्रो कंप्यूटर क्या होता है आपको पता है, सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है, लो कॉस्ट जो हम लोग यूज करते हैं, मिनी कंप्यूटर उससे जस्ट बड़ा होता है ना। उसके बाद मेनफ्रेम कंप्यूटर जो स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल क्या है, देखिए आप कंफ्यूज हो रहे हो, मल्टी यूजर, बहुत सारे टर्म्स है, कंफ्यूजन इसमें होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी टास्किंग, ध्यान सुने, मल्टी टास्किंग, और एक होता है मल्टी यूजर, सारे अलग अलग चीज है। मल्टी यूजर की बात करते हो ना, तो बहुत सारे पर्सन यूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा लोग यूज कर सकते हैं, मल्टी यूजर हो गया इसका मतलब, ठीक है। जो हमारे मेनफ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, सब क्या होते हैं, मल्टी यूजर्स होते हैं, कोई दिक्कत। मल्टी टास्किंग मैंने बताया था आपको क्या होता है, बताओ, एक साथ यदि आप, यदि मैंने अपने कंप्यूटर में भी कैमरा भी ऑन कर रखा है, पीडीएफ भी ऑन कर रखा है, जूम भी ओपन कर रखा है, फैन भी चल रहा है, चार्जिंग भी हो रहा है, स्क्रीन लाइट भी देखो बैलेंस है ना, सारे फीचर्स हो रहे हैं, तो एट द सेम टाइम मल्टीपल टास्क आर परफॉर्मिंग, प्रोसेस हो रहा हो, तभी तो हमें दिख रहा है ये सारा इफेक्ट, अभी ये क्या हो गया, मल्टी टास्किंग, हमें लगता है कि नहीं एक साथ, एक्चुअली एक साथ हो नहीं रहा है, वो थोड़ा सा इसका सीपीयू क्या कर रहा है पता है, थोड़ा सा पीडीएफ का प्रोसेस शूट कर देता है, थोड़ा सा जूम का कर देता है, थोड़ा सा सबका, और इतना फास्ट काम करता है ना, तो हमें लगता है कि वो साथ चल रहा है, एट द सेम टाइम वो मल्टीपल प्रोसेस कैसे करता है, थोड़ा थोड़ा एंड्रे करता है, जैसे मैं एक एक रोटी सबको खिलाना शुरू करूँ तो ऐसे, या एक एक डंडा सबको एक तरफ से देना शुरू करूँ, फिर आऊँ फिर एक एक डंडा देना शुरू करो सबको, पिटना शुरू करो ऐसे, नहीं सुनाओगे तो, या कॉपी चेक करना शुरू करो वन बाय वन, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, सबको एक्टिव कर रखा है ना, अब देखो जैसे मैं वहां कॉपी चेक करूंगा सारे बच्चे एक्टिव हो जाएंगे, अपना कॉपी निकालना शुरू कर देंगे, एक्चुअली मैंने एक्सक्लूड नहीं किया उनको, लेकिन वो एक्सक्लूड रेडी है, अब मैं उनके बाद उसका कॉपी चेक करूंगा, उसका कॉपी चेक, तो अगला रेडी रहेगा, वो भी यदि कॉपी है तो दिखाने के लिए रेडी रहेगा, कॉपी नहीं है तो बहाना सोच के रेडी रहेगा, एक्चुअली प्रोसेस हो रहा है ना। घर में आपने मम्मी को देखा होगा कि जो भी घर में खाना बनाती है, यदि आप घर में दो तीन भाई बहन हो, सबको बैठा देती है, एक एक रोटी, एक बनाया पहले को दिया, छोटे सबसे छोटे को पहले मिलता है, क्यों, रीजन है, साइंस है, छोटा स्लो खाएगा तब तक सौ रोटी बन जाए, बड़े तो बर्दाश्त भी कर सकता है, भूख लगा हुआ तो बड़े को मिला, अब छोटा स्लो खाएगा तो तब तक सेकेंड टर्न आ जाएगा ना, रोटी अवेलेबल हो जाएगा सबके लिए, बड़े को शुरू में नहीं वेट करना पड़ा, बड़े वाले को शुरू में केवल वेट करना पड़ा। इसको एक तरह से और भी ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ो, इसको बोलते शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, छोटे को पहले दे, बेसिकली ये हो गया। तो वो जो टर्निंग वाला एक एक रोटी दिया सबको, अब देखो सब खाना खा रहा है क्या, सबको रोटी की बार मिल गया क्या, नहीं मिल रहा है सबको, थोड़ा थोड़ा करके सब खाना नहीं खा रहे, इसको बोलते हैं हम लोग मल्टी टास्क। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होगा,
तो मल्टीटास्किंग समझ में आ गया आपको। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या हुआ, थाली एक ही है, खाने वाले कई लोग खड़े हैं लाइन में, थाली एक ही है। अब मम्मी कहती नहीं हम एक बार में एक ही को खिलाएंगे, पहले तुम लोग को स्कूल सबको जाना है, मम्मी होगी पहले छोटा वाला खा लेगा तभी तुम लोग खाओगे ऐसा। तो उस केस में क्या, जब तक थाली फ्री होगा तो तुमको मिलेगा क्या? ऐसा नहीं होता है, थाली घर में बहुत सारे होते हैं, बट मान के चलो एक ही प्लेट है जिसमें सब कहते हैं हम उसमें खाएंगे। अब क्या होगा उस केस में, तो छोटे वाले को खिलाएगी, अब खिलाएगी फिर वो खत्म करेगा फिर दूसरा आएगा, लेकिन रेडी सब है तैयार है ड्रेस पहन के, क्या खाना दो। This is called, मतलब when multiple processes are present in main memory to be executed is called multi-programming. But एक बार में एक ही होता है, जब तक वो पूरा खा नहीं लेगा तब तक दूसरे को एक्सक्यूट नहीं करेंगे। ये पहले होती थी, आजकल ऐसा सिस्टम नहीं होता, ठीक है? ऐसा हो तो फिर अब जैसे हम PDF काम खत्म करेंगे तब भी हमारा Zoom चलेगा, Zoom बंद करें तभी हमारा PDF ओपन होगा, तो उसको multi-programming कहेंगे। में आ गया, एक मल्टी प्रोसेसिंग होता है। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है कि जनरली हम लोग जो कंप्यूटर यूज करते हैं उसमें एक प्रोसेसर होता है, कोड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रोसेसर की बात, एक प्रोसेसर होता है। अब जिसमें एक से ज्यादा प्रोसेसर है तो वो मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है, क्लियर है? अब मान लो प्रोसेस करने में थाली दो हो जाए, ध्यान से देखो एक थाली है, ठीक है एक थाली था वेट करना पड़ा, अब दो थाली हो जाए कोई बात नहीं, खा रहा है फटाफट में बहुत जल्दी काम हो जाए, तीन थाली हो जाए तो और भी जल्दी हो जाएगा, वेट किसी को करना पड़ेगा क्या? कोई दिक्कत क्योंकि तुमने ध्यान से सुना है तो बता सकते हो, मैं नहीं बोला, एग्जांपल सुनो ध्यान से, तुम लोग एग्जांपल समझते नहीं है, तुम लोग का ध्यान रहता है खाने पर चला जाता है, खाने का एग्जाम्पल मैं नहीं लेता, ठीक है? चलो इंटरव्यू हो रहा है, मान लो वाइवा हो रहा है, ठीक है वाइवा हो रहा है, और वाइवा रूम में जो है एक ही चेयर है, एक बार में ही बच्चे को अलाउ किया जाता है, और जो वाइवा देने वाले बच्चे बाहर खड़े होते हैं गेट के बाहर कि मेरा नंबर आएगा, है ना, खड़े होते हैं, मतलब वो मेन मेमोरी में है, रेडी है, रेडी स्टेट में है, और वाइवा में लेकिन एक ही बच्चे जा सकते हैं। अब मान लो एक बच्चे गए उनका वाइवा हो गया, वो बाहर आएंगे तब दूसरा जाएंगे, बट रेडी सब है ना, सबको पता है कि मेरा वाइवा होने वाला है, ये कौन सा होगा मल्टी प्रोग्राम, मतलब मेन मेमोरी में बहुत सारे हैं प्रोसेस लेकिन एक बार में कोई एक ही एक्सक्यूट होता है, जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तब तक दूसरा प्रोसेस एक्सक्यूट नहीं होगा, लेकिन रेडी है। तो व्हेन मल्टीपल प्रोसेसेस आर प्रेजेंट इन मेन मेमोरी बट वन प्रोसेस इज एक्सक्यूटेड एट ए टाइम, उसमें से इस एक ही प्रोसेस को सीपीयू क्या करता है, प्रोसेसर एक्सक्यूट करता है, दैट इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्राम। बट ऐसा हो इंटरव्यू हो, फाइवा रूम है, उसमें पांच चेयर लगे हैं, ध्यान सुनो पांच चेयर लगे हैं, पांच चेयर हैं और पांचों में पांच बच्चों को बैठा दिया गया, एक क्वेश्चन इससे पूछा गया, फिर दूसरे से एक क्वेश्चन पूछा गया, फिर तीसरे से पूछा गया, फिर चौथे से पूछा गया, जो पहले से पूछा गया बाकी सब बैठा हुआ था, दूसरे से पूछा गया एक क्वेश्चन एक बार रिपीट हुआ, फिर दूसरे से फिर सेकंड राउंड चला, इस तरह दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। चलिए हम एक बार में एक ही से पूछ रहे हैं लेकिन सबसे थोड़ा सा मौका दे रहे हैं, अब एक ही साथ पूरा नहीं कंप्लीट करें, हम थोड़ा सा सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा उसे से पूछा उससे पूछा तब तो फिर रिपीट करके, अभी देखो कितने प्रोसेस एक्सक्यूट हो रहे हैं, बताओ पांच बच्चे तो पांच बच्चे भाईवा चल रहा है, ये कौन होगा मल्टीटास्किंग, समझ में आया कुछ? कोई दिक्कत अभी ओपन है, इसका मतलब वो भी रन हो रहा है, मल्टीटास्किंग कंप्यूटर है मेरा, अभी देखो साथ में मैंने जूम ओपन कर रखा है, पीडीएफ भी ओपन कर रखा है, पीडीएफ का भी प्रोसेस होगा, जूम भी होगा, सिस्टम के अपने भी कुछ प्रोसेस होंगे, जैसे फैन चल रहा होगा अभी, प्रोसेसर गर्म होता है जो ठंडा करने के, इंटरनली वो फैन चल रहा होगा ठंडा करने के लिए, वही नहीं अभी और देखिए है ना, कैमरा चल रहा है इसमें, कैमरा भी तो चल रहा है, ये भी तो प्रोसेस है उसका, और देखिए इसमें मैंने एक्सप्लोरर भी ऑन कर रखा है, स्क्रीन लाइट जो है वो भी एक प्रोसेस ही है, उसको बैलेंस करना, ये भी कौन, बैटरी चार्ज हो रहा है देखो वो भी काम हो रहा है, चार्जिंग भी ले रहा है वो साथ साथ, ऐसा ना, कीबोर्ड को देखो कीबोर्ड को भी एक्टिव कर रखा है उसने, लाइट जल रहा है इसका देखो, कितने सारे प्रोसेस हो रहे हैं ना, माइक और साउंड,
अब ऐसा हो फोन ही पे देखो ना, आपको फोन पे पहले एक होता है ना, मान लो एक ऐसा फोन हो इधर से कोई बोल दे हेलो क्या हाल है, दो दिन के बाद रिप्लाई हाँ ठीक है तो वो क्या हुआ चलेगा? मतलब कहने का मतलब ये हो कि एक और में को एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जैसे आप लोग कभी गौर किया हो जो वो पुलिस सबके पास होता है वॉकी टॉकी, उसमें क्या कहता है उसमें देखो एक से बोलेगा दोनों का वॉइस क्या होगा, वो स्ट्राइक हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, नॉइस क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए पहला बोलेगा हेलो चेक, हेलो यस, हेलो डेल्टा, ऐसा बोलता है ना डेल्टा, टू अपना कोड बताएगा वो कंफर्म, ऐसा कुछ बोलेगा फिर बोलता है, जैसे पहला बोल दिया पावर एंड आउट, तब पहला अगला समझेगा अच्छा इसका बात करो अब हमें बोलना है। एक कम्युनिकेशन सिस्टम ये भी पढ़ाने वाले हैं तुमको, डेटा कम्युनिकेशन ऐसा ना, क्या सही है ना? से पूछ रहा हूँ ठीक है बच्चों। तो बेसिकली देखो मेनफ्रेम कंप्यूटर बताया मैंने आपको, सुपर कंप्यूटर्स बताया आपको, सुपर कंप्यूटर का स्पीड क्या होता है फ्लॉप्स, क्या होता है फ्लॉप्स मतलब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। चलिए ये सब देख लीजिएगा एडवांटेज, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर का पता है आपको, एप्लीकेशन बताया था, ब्लॉक डायग्राम बताया था, टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब समझो ना कि आपका यदि एग्जाम हो ना, सेमेस्टर का एग्जाम हो, जितना मैंने पढ़ाया उससे मुझे लगा 40% क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे, जितना मैंने अभी पढ़ाया आपको, मतलब ये नहीं बोला मैं सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, मतलब इससे क्वेश्चन होंगे ही, हो सकता है ऑड में हो लेकिन क्वेश्चन इससे जरूर होंगे। जनरेशन कंप्यूटर पूछेगा या आपसे हिस्ट्री पूछा, जितना मैंने पढ़ाया है 60% जो है आपका, नहीं बोला मैं 40% बोल रहा हूँ, सेमेस्टर एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो गया है। और अभी पढ़ाएंगे ना, चलिए कंपोनेंट्स पता है आपको, मैंने आपको इनपुट बता दिया है, प्रोसेसिंग यूनिट बता दिया है, सेंट्रल सीपीयू बता दिया है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो बता दिया, आउटपुट डिवाइस बता दिया, कीबोर्ड बता दिया, कीबोर्ड के टाइप बता दिया, और क्या बताया आपको, माउस बताया, माउस का टाइप बताया, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, प्रिंटर्स भी इवेंट बता दिया। बेसिकली मुझे फुल सिलेबस प्रिपेयर होना चाहिए, मैं आज से नहीं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ, बेसिकली कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। क्लियर है बच्चों, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes. क्या हो गया बच्चों? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट है आप लोगों को? नो सर, नो सर। तो बेसिकली कंप्लीट हो जाएगा आप लोग, ज्यादा अभी सिलेबस है नहीं, और मैंने पढ़ाया है सारे टॉपिक को पढ़ाया है, अच्छे से पढ़ाया है, तो बेसिकली मुझे लगता है कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। फ्लोटिंग पॉइंट ये मैं आपको बताऊंगा, नंबर सिस्टम का पार्ट, ठीक है? ऐसा कुछ बोल रहे इसका कुछ और भी कंसेप्ट में बताऊंगा, कैसे उसको 40 पॉइंट कैसे निकालते हैं एंड वो मैं बताऊंगा, ठीक है? देखो होता क्या है, सब कुछ अभी नहीं बता सकते, बताएंगे तो फिर उसका अलग फिर टाइम चला जाएगा, लेकिन हाँ पेशेंस रखिए, हर एक टॉपिक जो टॉपिक है आपका क्लियर डाउट हो जाएगा। बोला अभी आपको उसके जो कुछ यूनिट होते हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं, उसके यूनिट्स होते हैं, उस जितने फ्लोटिंग पॉइंट को शूट करता है उसी हिसाब से उसका हम स्पीड डिफाइन करते हैं, ठीक है? बताएंगे। और कोई दिक्कत बच्चों किसी को? चलिए बेसिकली
क्या करना है।